वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एचएम पटेल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्टिविटी नंबर 13.9 को परफॉर्म करने वाले हैं और इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि क्या साउंड सॉलिड में ट्रैवल करता है कि नहीं। इसके आगे वाले वीडियोस में हमने देखा था कि साउंड जो है वो एयर एंड लिक्विड में ट्रैवल करता है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको रिफर कर सकते हो। आज की इस एक्टिविटी को हम तीन तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। फर्स्ट बाय यूजिंग मेटल रोड, सेकंड बाय यूजिंग टेबल एंड थर्ड बाय यूजिंग टॉय टेलीफोन। आज की इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए दो लोग चाहिए, तो मैंने मेरी डॉटर को इनवाइट किया है। पहल हेल्प करा देना। चलो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेटल रोड का यूज करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंड को मैं अपने पास रख रहा हूँ और दूसरा जो एंड है वो पहर के कान से लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नॉक करूंगा। पहर अगर आवाज सुनाई दे तभी आप बोलना, वरना ना बोल देना, ठीक है। आवाज आ रही है? Yes. Yeah, that means what? कि अगर मैं ये जो मेटल का रॉड है उसके एक एंड पर नॉक करूंगा तो दूसरे एंड पर पहर को आवाज सुनाई दे रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो वुडन का टेबल है इसके ऊपर सर को इस तरह से रखना है जैसे कि कान जो टेबल के ऊपर रहे। पर बेटा अपना सर यहाँ पर रख दो, जैसे कि कान इसके ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नॉक करूंगा तो फिर पूछेंगे पहर को कि आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। आवाज आ रही है? Yes. That means what? कि टेबल ये जो है बेसिकली वुडन का टेबल है तो इसके अंदर से साउंड ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट अभी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने एक टॉय टेलीफोन बनाया है। बेसिकली आप भी घर पे बना सकते हो। क्या करना है, दो पेपर कप लेना है और इन दोनों को स्ट्रिंग के मदद से ज्वाइन कर देना है। अब क्या करना है, एक जो है एक एंड अंपायर के कान के पास रखेंगे और बेटा थोड़ा सा दूर हो जा। अब करना क्या है कि ये स्ट्रिंग है इसको टाइट रखना है। फिर क्या करना है, यहां से बोलना है और फिर पावर को पूछना है कि उसको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। बहुत आवाज आ रही है? यस। दैट मींस व्हाट, कि ये जो स्ट्रिंग है ये भी एक टाइप का सॉलिड है तो उसमें भी साउंड ट्रैवल कर रहा है। तो फाइनली इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड्स। अगर हम तीन एक्टिविटी को कंबाइन कर ले 13.7, 13.8 और 13.9, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम कह सकते हैं साउंड कैन ट्रैवल इन ऑल मीडियम्स, इन एयर, इन लिक्विड, इन सॉलिड। इस एक्टिविटी को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।